आजकल ना यहाँ का मौसम बहुत बढ़िया है, तुम्हें बहुत मजा आएगा। स्वाति आई चीजू। ये स्वाति है हमारी साली जी। नमस्ते। ये दोनों मुझे ट्रेन में मिल गए। अच्छा। मैं इन्हें यहाँ ले आया। इनके लिए खाना लगा दो। जी अभी लगा देती हूँ। बैठिए ना आप लोग। शर्माइए मत। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं, उसके साथ बैठो। अच्छा। जोड़ी बढ़िया है। ये लो पानी पियो। जरा एक मिनट। अब ठीक है। वो क्या है ना, अपना मामला तो सेट है लेकिन चौकन्ना रहना पड़ता है। मैं तो सूरज चांद सितारों पर भी भरोसा नहीं करता। मेरी मानसी है ऐसी। ये लो पानी पियो। थैंक यू। देखा कितना चाहता है तुम्हें। वैसे ये मेरा घर। स्वाति, इसे यहाँ बाहर किसने रख दिया, बताए, मुझे बर्दाश्त नहीं है। हटा, हटा इसे यहाँ से। ये ठीक तो है। इस गिफ्ट की वजह से मेरी लाइफ सर बर्बाद हो गई। ऐसा क्या हो गया? देखिए शांत हो जाइए। तेरा ऑफिस, मेरा बिजनेस, मेरा प्यार, मेरा घर, ये सब कुछ मेरी सिर्फ एक गलती से बर्बाद हो गया। पहले एक बहुत बड़ी गलती की और उसी गलती की सजा मुझे मिली। मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ डार्लिंग, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। अब क्या चाहिए? इस जिंदगी में क्या मैं आपकी बस सेक्रेटरी ही बन के रहूंगी डार्लिंग? इतने सालों से हम दोनों के बीच एक रिश्ता है, अब उसे नाम भी दे दीजिए ना। कब तक ऐसा चलता रहेगा डार्लिंग? लोग मुझे बातें सुनाते हैं, ताने मारते हैं। साफ बोलो क्या चाहिए। मैं कब तक आपकी बस सेक्रेटरी ही बनकर रहूंगी? मेरा प्रमोशन कर दीजिए ना, आप अपनी वाइफ को डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर लीजिए ना। शादी करना चाहती हो? मैं बात करता हूँ। Don't touch it. क्या हुआ आपको? बहुत टेंशन में लग रहे हैं। हाँ मैं वाकई टेंशन में हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दरअसल मैं भी आपसे कुछ। तुम अपनी बात रहने दो, पहले तुम मेरी बात सुनो। ठीक है, पर इस वक्त मैंने कहा ना मुझे जरूरी बात करनी है। तुमसे छुटकारा चाहिए मुझे, तुमसे डिवोर्स चाहिए। क्या डिवोर्स चाहिए? तुम्हारे साथ रहना मेरे बस की बात नहीं। तुम्हारी किचकिच सुनकर मेरी जिंदगी हेल हो गई है। तुम डिवोर्स दे दो, मैं अब अपनी जिंदगी आराम से जीना चाहता हूँ। सुनिए मैं ये आप कैसी बात कर रहे हैं? बेकार की बात मत करो। डिवोर्स दे रही हो या नहीं, साफ साफ बताओ। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त? आपको 7 दिनों तक रोज मेरा हाथ थामकर मुझे बेडरूम तक ले जाना होगा। इतना ही ना? उसके बाद तो मुझे डिवोर्स दे दोगी ना? हाँ दे दूंगी। थैंक यू। सॉरी, बट थैंक यू। आज शर्त पूरी करने का पहला दिन है। गुड नाइट। मैं तो बस किसी तरह
से छुटकारा पाना चाहता था। दूसरे दिन जब मैं उसे ले जा रहा था तो मैंने उसकी आंखों में झांक कर देखा। मुझे सब कुछ याद आने लगा जब मैंने उसे पहली बार देखा था और पहली नजर में उससे प्यार हो गया था। तीसरे दिन जब वो मेरे करीब आई तो मुझे वो दिन याद आए जब मैं गुलाब का फूल लिए उसके पीछे पीछे चलता रहता था। क्या है? आई लव यू, आई लव यू। नहीं नहीं एक मिनट, इसे फेंकिए मत। ये फूल नहीं, मेरा दिल है। दिल अगर आपने इसे फेंक दिया ना तो मैं कसम खाता हूँ मैं अपनी जान दे दूंगा। मुझे एहसास होने लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। आज भी लेट हो गई। I'm really sorry. घर वालों से झूठ बोल कर जो आना पड़ता है। देखो मेरी तरह। आज तो बड़े खुश लग रहे हो। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती। शर्ट का पांचवा दिन है, हाथ थाम कर नहीं ले जाएंगे। पांचवे दिन जब मैंने उसका हाथ थामा, क्यों ना हम दोनों भाग चले, तो मुझे वो प्यारी सी नोक झोंक याद आ गई। वो चाहती थी हम भाग कर शादी कर लें, लेकिन मैंने उससे वादा किया कि मैं घर वालों को मना लूंगा। छठे दिन मुझे उसके घर वालों को और अपने घर वालों को मनाना याद आ रहा था। सब लोग राजी हो गए और हमें लगा जैसे हमें सारी दुनिया मिल गई हो। सातवें दिन मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया हुआ था। उसे देखते ही मुझे अपनी शादी की वो कस्में, वो रस्में, सब कुछ याद आ गए। कैसे मैंने उसे मंगल सूत्र पहनाया था, अग्नि को साक्षी मानकर हमने सात फेरे लिए थे। बड़ी धूमधाम से मैं अपनी दुल्हन को अपने घर लेकर आया था। मुझे एहसास हुआ कि ये बंधन मैं कभी नहीं तोड़ सकता। हा? आज आखिरी दिन है, आज आंख लगने तक यही मेरे पास बैठ जाइए ना। मैं समझ गया हमारा ये साथ जन्मों जन्मों का है। चलोट। मेरी बीवी मेरे लिए सब कुछ है। आज मैं बहुत बड़ी गलती करने से बच गया। तुम्हारे लिए मैं अपनी बीवी को डिवोर्स नहीं दे सकता। अगर तुम अपनी बीवी को नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अरे जा, तेरे साथ तो मैं खुद नहीं रहने वाला। तुझ जैसी का क्या भरोसा, जिससे तूने शादी की उसके साथ तो तेरी पटी नहीं, तो फिर मेरे साथ कैसे पटेगी? तुम्हें अब तक बहुत कुछ दे दिया, कार, अपार्टमेंट, सब कुछ। अब निकल यहाँ से, गेट आउट। सॉरी प्रीति, मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। सच कह रहा हूं, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, कसम से, विश्वास करो। तुम बाहर क्यों खड़ी हो? जीजा जी वो चुप चुप चुप, मैं आज बहुत अच्छे मूड में हूँ, चलो। Da-d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 a
जब आपने दीदी से डिवोर्स मांगा तब वो आपसे यही बात कहना चाहती थी, अगर आपने उनकी बात सुन ली होती तो वो अपने आखिरी दिन खुशी खुशी बिता पाती, लेकिन आप तो उन्हें वो सुख भी नहीं दे पाए। इतने सालों के बाद भी आप उनके प्यार को भुला नहीं सके सर, मैं आपको सलाम करता हूं। हैट्स ऑफ टू यू सर, हैट्स ऑफ। मैं अपनी प्रीति को बचा ना सका, जब तक वो थी मैं उसकी कदर न कर पाया, आज इसके जाने के बाद पता चला वो क्या थी। मैंने उसे बहुत दुख दिए, उसकी बेइज्जती की, रह रह कर ये बात मुझे सताती रहती है, बोलने की कोशिश करता हूँ पर भूल नहीं पाता, ये अपने बस में नहीं। पर तुम अपने प्यार का साथ मत छोड़ना। मैं कहा तुम्हारी हैप्पी स्टोरी में अपनी सैड स्टोरी लेके बैठ गया, सॉरी। हाँ वो चलो खाना खाते हैं। स्वाति हाँ? खाना तैयार है ना? हाँ जीजा जी। हाँ, तैयार है, आ जाओ तुम लोग सब आ जाओ। चलो स्वाति जी, खाना बहुत ही टेस्टी था। अच्छा थैंक यू। स्वाति मैं इन्हें स्टेशन तक छोड़कर आता हूँ, ठीक है? जल्दी लौटाऊंगा। आज आजादी के 70 साल बाद भी हमारे स्टेशन की हालत कुछ ज्यादा सुधरी नहीं है। आप देख सकते हैं कि स्टेशन किस हालत में है, यहाँ पीने का पानी तक नहीं और बाकी सुविधाएं तो भूल जाइए। इस तरफ बैठो सर, टिकट ले। हाँ मैं लेकर आता हूँ, तुम इसके साथ मानसी तुम यही रहो, हम थोड़ी देर में आते हैं। अरे रहने दो, मैं दे रहा हूँ ना, रामपुर के 2 टिकट। रामपुर पहुंचकर तुम लोग मुझे फोन कर देना। कौन थे ये लोग? बताऊंगा, पहले मानसी को ढूंढना होगा।